मंगलवार को भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर भाजपा का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का ध्वजारोहण किया, साथ ही भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। नीमच जिला भाजपा ने मंगलवार को भाजपा का 41वां स्थापना दिवस मनाया। भाजपा कार्यालय पर तपोभूमि पर भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भाजपा के ध्वज की पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में आज ही के दिन हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से इस नई पार्टी का जन्म हुआ। 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य दलों में विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ। पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। तब से लेकर आज तक भाजपा 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाती आ रही है। तपोभूमि पर आयोजित कार्यक्रम में संतोष चोपड़ा, वंदना खंडेलवाल, किरण शर्मा, मीना जायसवाल, सज्जन सिंह चौहान, हेमंत हरित, योगेश जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। जिन संकल्पों के साथ और जिस विचारधारा के साथ, जिस राष्ट्रवादी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों के द्वारा, राष्ट्रवादी विचार रखने वाले महापुरुषों के द्वारा इस दल को सींचा गया, खड़ा किया गया, उस दल के बारे में और जो उसकी का इतिहास है उसके बारे में आज सभी कार्यकर्ताओं के लिए कहीं कहीं हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश संगठन के द्वारा और राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो परिपत्र आया था उसका वाचन किया गया और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात की आपस में खुशियां आदान प्रदान की गई कि हम सभी लोग उस राष्ट्रवादी दल में काम कर रहे हैं और ईश्वर ने उस राष्ट्रवादी दल में हमको काम करने का अवसर दिया है, क्योंकि सेवा का माध्यम हमको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिल रहा है